स्वागत है आपका cyberfihub.in में। इस वीडियो में देखेंगे स्टार्टअप प्रोग्राम। स्टार्टअप प्रोग्राम हार्ड ड्राइव पर एक विशेष फोल्डर में सुरक्षित रहते हैं और विंडोज के बूट होने पर ही स्वयं ही सक्रिय हो जाते हैं। विंडोज 7, 8, 10 और 11 में स्टार्टअप प्रोग्राम की सेटिंग्स कुछ इस प्रकार है। विंडो के साथ आर प्रेस करते ही रन खुलता है, वहां पे आप शेल कॉलन स्टार्टअप लिख लीजिए और एंटर करके आपको ये सामने एक विंडो मिलेगा और यहाँ पे आप किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आप कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लीजिए ताकि आप इसका आउटपुट देख सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन बूट अप हो गया है। तो यहाँ पे आपको डेल दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का OEM ब्रांड मिल जाएगा। तो ये जैसे ही आपका कंप्यूटर प्रोसेस करता है कंप्यूटर लाइक ये अब लॉक स्क्रीन आ गया है, तो मैं इसको यहाँ पे लॉग इन करूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लिया है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, कोई एप्लीकेशन टच नहीं करनी। और आप देख सकते हैं कि ये Adobe Audition ओपन हो गया है। तो इस प्रकार आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्टअप पे रख सकते हैं ताकि आपको उसको ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े और वो ऑटोमेटिकली ही फंक्शन करे, आपके कंप्यूटर रिस्टार्ट होते। और ऐसी ही वीडियो के लिए शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।